दुनिया में बहुत कम मजहबी रहनुमा ऐसे गुजरे हैं जो अपने मजहबी मामलात के साथ दुनियावी मामलात में भी अप टू डेट हों, या कम से कम जाहरी हद तक वो दुनियावी लिहाज से भी किसी से कम न हों। वैसे तो मुसलमानों में अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दो बड़े ग्रोह हैं, जिनकी आगे मजीद कई शाखें हैं। अहले तशय्यो में से इस्माइली कहलाने वाले मुसलमानों के मजहबी और रूहानी पेशवा या इमाम कहलाने वाले हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान का शुमार ऐसे ही मजहबी और रूहानी रहनुमाओं में होता है, जो अपने पैरोकारों के सुप्रीम इमाम या पीर होने के नाते मजहबी बल्कि दुनियावी मामलात में भी हरफे आखिर रखते हैं। अहले तशय्यो में सबसे बड़ा ग्रोह असना अशरी अहले सुन्नत की अक्सरियत की तरह इमाम आखिरुज़्ज़मां हजरत महदी अलैहिस्सलाम का मुंतजर है, कतअ नजर इसके कि वो आ चुके हैं या आने वाले हैं, लेकिन इस्माइली शिया जिंदा इमाम पर यकीन रखते हैं। इस्माइलियों का मानना है कि उनके इमाम का शजरा नस्ब बराह रास्त पैगम्बर इस्लाम से मिलता है। तहम इस्माइली मुसलमानों की इमामत का सिलसिला इमाम जाफर सादिक के बाद शिया असना अशरी मुसलमानों से मुख्तलिफ हो जाता है। शिया असना अशरी इमाम जाफर सादिक के बाद उनके फर्जंद इमाम मूसा काजिम और उनकी औलाद की इमामत के कायल हैं, जबकि इस्माइली इमाम जाफर सादिक के बड़े फर्जंद इस्माइल बिन जाफर, जिनकी वफात इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में ही हो गई थी, को अपने आठवें इमाम का दर्जा देते हैं और उनकी औलाद को सिलसिलावार अपना इमाम मानते हैं, जो मौजूदा 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान तक पहुँचता है। 13 दिसम्बर को शहजादा करीम आगा खान शाह करीम उल हुसैनी 84वीं सालगिरह मनाई गई। इस दिन को न सिर्फ इस्माइली बरादरी बल्कि दुनिया भर में उनके मानने वाले अकीदत और इज्जत की निगाह से देखते हैं। प्रिंस करीम आगा खान खास तौर पर अपने फलाही काम और मुफाद आमा के लिए कायम किए गए इदारों की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। 48वें इमाम सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान स्वयं के पोते शाह करीम अल हुसैनी 13 दिसम्बर 1936 को स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में पैदा हुए। 11 जुलाई 1957 को इमामत का मनसब मिला, जबकि उनकी तख्त नशीनी की रस्म 23 जनवरी 1958 को कराची में अदा की गई। यानी तकरीबन 20 बरस की उम्र से अब तक वो अपने पैरोकारों की इमामत के मनसब पर फाइज हैं। सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान स्वयं ने अपनी आखिरी वसीयत में अपने पोते शाह करीम अल हुसैनी को अपने बेटे शहजादा अली खान के बजाय रूहानी पेशवा और इस्माइली बरादरी का रूहानी सरबरा मुकर्रर किया था। किसी मखसूस क़िताए ज़मीन पर तसल्लुत न रखने के बावजूद शहजादा करीम आगा खान एक ऐसे हुक्मरान साबित हुए जो अपने पैरोकारों के दिलों पर राज करते हैं और उनकी हिदायत हरफ आखिर समझी जाती है। 1969 में प्रिंस करीम आगा खान ने एक अंग्रेज खातून से शादी की, जिनका इस्लामी नाम सलीमा रखा गया। इस शादी के मेहमान में बरतानिया की शहजादी मार्गरेट, हॉलैंड की शहजादी बर्नहार्ड और ईरान की शहजादी अशरफ पहलवी भी शामिल थीं। सलीमा से प्रिंस करीम आगा खान के 3 बच्चे हुए, जाहरा आगा खान, रहीम आगा खान और हुसैन आगा खान। शादी के 26 साल बाद 1995 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। 1998 में करीम आगा खान ने दूसरी शादी अनारा नामी खातून से की, जिनसे उनका एक बेटा अली मोहम्मद आगा खान पैदा हुआ, मगर चंद साल बाद 2011 में उनकी अनारा से भी तलाक हो गई। प्रिंस करीम आगा खान दुनिया भर में इल्मी, माली और सेहत के उमूर में मदद करने के लिए हमेशा कमर बस्ता रहते हैं। उन्होंने मनसब इमामत संभालने के बाद आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक ऐसा इदारा कायम किया, जिसके प्लेटफॉर्म से रफाही कामों के एक तवील सिलसिले का आगाज हुआ। बहुत से लोग खास तौर पर तारीख में दिलचस्पी रखने वाले इस बात को जानना चाहते हैं कि सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान स्वयं ने अपने बेटे की जगह पोते को क्यों इमाम मुकर्रर किया। सर आगा खान स्वयं खुद भी शादियां करने के हवाले से बहुत मशहूर थे और उन्होंने 4 शादियां कर रखी थी। उनके सबसे बड़े फर्जंद का नाम मेहदी था, जो अगर जिंदा रहते तो यकीनन उनके जानशीन होते। उनके दूसरे फर्जंद शहजादा अली खान थे, जो 13 जून 1911 को पैदा हुए।
हकीकत यह है कि प्रिंस अली खान यूरोप में अपनी कॉकटेल पार्टीज और मुआशकों की वजह से शोहरत पाते जा रहे थे। उन्हें अल्कोहल से रगबत थी और ना ही वो अपने वालिद की तरह खाने पीने के शौकीन थे, मगर वो अपने मेहमानों को हर तरह मुतमईन और मसरूर रखने के फन से आगाह थे। उन्हें अपने मुआशकों के खुले बंदों होने वाले तस्करों या बदनामी की भी परवाह नहीं थी। वो ऐशो इशरत और हंगामे बर्पा करने में मसरूफ थे और खुश रहा करते थे। इसी सबब उन पर प्ले बॉय का लेबल चस्पा हो गया था। सो मॉडर्न होने के बावजूद सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान स्वयं ने शायद इमेज का ख्याल रखते हुए अपने बेटे की जगह पोते को तरजीह दी। शादी के मामलों में सर आगा खान स्वयं भी खासे मारूफ थे, मगर अली खान उनसे भी बाजी ले गए थे। अगरचे आगा खान स्वयं की जिंदगी में आने वाली खवातीन का खानदानी लिहाज से बरतर होना जरूरी नहीं था, मगर अली खान से ताल्लुक रखने वाली बेशतर खवातीन मगरबी दुनिया की मुंतखब हसीनाएं थीं और अपने अपने शोबों में शोहरत रखती थीं। 1936 में 21 साल की उम्र में शहजादा अली खान की शादी जॉन बारबरा यार्डे हिलर नामी एक अंग्रेज खातून से हुई, जो उम्र में उनसे 3 साल बड़ी थी। उनके 2 बेटे करीम और अमीन पैदा हुए। प्रिंस अली खान और जॉन यार्डे की शादी 1949 तक जारी रही और तलाक के वक्त शहजादा अली ने जॉन को 15 लाख पाउंड की रकम अदा की। प्रिंस अली खान की जिंदगी में आने वाली जिस हसीना को सबसे ज्यादा शोहरत मिली वो हॉलीवुड की अदाकारा और 1940 की दहाई में बड़ी स्क्रीन पर राज करने वाली रीटा हेवर्थ थीं, जिनसे धुआंधार इश्क के बाद उनकी शादी भी हुई। एक बच्ची भी पैदा हुई जिसका नाम शहजादी यास्मीन रखा गया। 1953 में ये शादी खत्म हो गई और रीटा हेवर्थ ने तमाम माली फवायद की पेशकश के बजाय अपनी बेटी को मुसलमान के बजाय क्रिश्चियन के तौर पर परवरिश करने को तरजीह दी। 25 मई 1955 को सर आगा खान स्वयं ने अपनी वसीयत तैयार की, जिसकी तौसीक 18 जून 1957 को की गई। ये वसीयत खुफिया रखी गई थी और सर आगा खान की वफात के अगले रोज 12 जुलाई 1957 को खोली गई। वसीयत में लिखा था कि जानशीन का इंतखाब इमाम का हक है और वो अपने वारिसों में किसी को भी चुनने का कतई और नाकाबिले चैलेंज हक रखते हैं। इसी वसीयत में आगा खान स्वयं ने अपने पोते करीम को जानशीन मुकर्रर किया। लेकिन प्रिंस अली खान की दुनिया अंधेर हो गई। नवंबर 1957 में उन्होंने पाकिस्तान के सदर सिकंदर मिर्जा से मुलाकात की, जिन्होंने अली खान को अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर खिदमात अंजाम देने की पेशकश की। इस जिम्मेदारी का ऐलान 6 फरवरी 1958 को कराची में शहजादा करीम आगा खान की रस्म ताजपोशी की तकरीब के 2 हफ्ते बाद हुआ। शहजादा अली आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत थे और दुनिया भर के मुदब्बरीन उनकी बात तवज्जो से सुनते थे। सितंबर 1959 में शहजादा अली खान ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुताबिक अलजजायर की जद्दोजहद आजादी की हिमायत की। उनके इस मौकफ से फ्रांस, जहां के वो अमलन शहरी थे, सख्त नाराज हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिंस अली खान को अर्जेंटीना में पाकिस्तान का सफीर भी नामजद किया, मगर 12 मई 1960 को वो पेरिस में एक ट्रैफिक हादसे में चल बसे।